आज का हमारा टॉपिक है अनक्लैम्प स्कैटरिंग। और अनक्लैम्प स्कैटरिंग को जानने के लिए हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, और उसके लिए हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स में जो रेजिस्टेंस आ रही होती है, थर्मल रेजिस्टेंस, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास किन किन वजूहात की वजह से आ रही होती है, जिसकी 3 टाइप्स हैं। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है फोनॉन्स जो है वो होते हैं, फोनॉनिक स्कैटरिंग होती है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास लेटेस्ट एटम जो है, जो ऑलरेडी हर टाइम अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, लेफ्ट राइट और अप डाउन। तो अगर हम टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनकी वाइब्रेशन ज़रा तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है प्री मेटल्स में जो प्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हुए वो उनके साथ क्या करेगा, कलाइड करेगा, और उसकी वजह से उसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, स्कैफोन ऑन स्कैटरिंग आपको मैंने बताया था। यहाँ पे आप देखें जो बाकी एक और मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है इम्प्योरिटीज की वजह से भी हो सकता है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो आपको फेस करना पड़े। ठीक है, स्कैटरिंग बाय इम्प्योरिटीज एंड लेटेस्ट इम्परफेक्शंस। सिमिलरली यहाँ पे अभी एक और हम चीज देखेंगे, एक तो ये कि ये लिखा हुआ है स्कैटरिंग ऑफ फोनॉन्स बाय बाउंड्रीज, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अनक्लैम्प प्रोसेस भी होगा एक, जो हमारे पास एक्चुअली रेजिस्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। तो पहले हम इसके लिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं कि ये एक्चुअली होता है क्या आपके पास। ठीक है, सिंपल, अगर आप फोटोन लें तो आपके पास फोटोन क्या होता है, फोटोन एक एनर्जी पैकेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, यानी उसकी कोई वैल्यू होती है E1, E2, E3। ठीक है, और उसमें हमने कहा था कि एक पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्वांटा कहते हैं, और एक जो क्वांटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, फोटोन होता है। और इसी तरह हम देखेंगे फोनॉन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, फोनॉन क्या होगा हमारे पास, सिमिलरली एनर्जी ऑफ द लेटेस्ट वाइब्रेशन और एन इलास्टिक वेव इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड एंड द क्वांटम ऑफ दिस एनर्जी इज नोन एज फोनॉन। ठीक, इसमें क्या बात उन्होंने बताई है आपको कि हमारे पास क्या होगा, लेट्स सपोज जैसे आप लें आपके पास जो है, हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, वो क्या करता है, वाइब्रेशन करता है, यानी ऊपर नीचे उसकी वाइब्रेशन होगी, या लेफ्ट राइट उसकी क्या होगी, वाइब्रेशन होगी। ठीक ठीक और इस वाइब्रेशन की वजह से जो एक एनर्जी जनरेट होगी वो भी क्या होगी, एक फिक्स एनर्जी होगी। ठीक है, और उस एनर्जी का नाम क्या कहेंगे कि वो भी हमारे पास क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी, या क्वांटम ऑफ एनर्जी होगी, और उसको हम कहेंगे कि हमारे पास वो क्या होता है, फोनॉन होता है। ठीक है, क्या होता है, फोनॉन होता है जो वाइब्रेशन की वजह से होता है। अब ये वाइब्रेशन जो है आपके पास कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो फोनॉन यहाँ पे आपके पास एक्चुअली क्या हुआ, फोनॉन आपके पास लेटेस्ट वाइब्रेशन जो एटम्स की होती है, ठीक है, और उसकी वजह से जनरेट होता है, और उन वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, एक एनर्जी जनरेट होगी जिसे हम क्या कहेंगे, फोनॉन। और ये एनर्जी भी एक क्वांटाइज्ड होगी, ऐसे रैंडम नहीं हो सकती, जैसे फोटोन के केस में भी हम कहते थे कि हमारे पास या एनर्जी 1 होगी या हमारे पास 2 होगी। ठीक है, जैसे अगर हम हर एक शेल लेते थे उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती थी, बीच की कोई वैल्यू नहीं होती थी। सेम आपके पास फोनॉन की भी एक प्रॉपर वैल्यूज होंगी, उसकी वाइब्रेशन पे डिपेंड करेगा। इन अदर वर्ड, जो आपके पास वाइब्रेशंस हो रही होती हैं वो किस पे डिपेंड कर रही होती हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा। ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशन इन क्रिस्टल कंप्राइज फोनॉन्स, थर्मल वाइब्रेशंस आर थर्मली एक्साइटेड फोनॉन्स, साउंड वेव्स जो होंगी वो हमारे पास एकॉस्टिक फोनॉन्स होंगे, एक्साइटेशन ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच होगी उसे ऑप्टिकल फोनॉन्स कहेंगे। ठीक है, ये फोनॉन्स के फिर डिफरेंट नेम है जिस हिसाब से उनकी वाइब्रेशन हो रही होंगी। और एनर्जी ऑफ द फोनॉन इज गिवन बाय एच कट ओमेगा। अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, इसकी एनर्जी हमारे पास हम कैसे लिख सकते हैं, एच कट ओमेगा से लिखेंगे। और यहाँ पे आपने याद रखते हैं कि ओमेगा जो है वो क्या है, हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, किसकी, फोनॉन की है। ठीक है, और इस एंगुलर फ्रिक्वेंसी का ऑफ ए मोड ऑफ वाइब्रेशन के कौन सा मोड आप ले रहे हैं। ठीक है, इफ एन इज द नंबर ऑफ फोनॉन्स इन ए पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन, द टोटल एनर्जी ऑफ दैट मोड इज रिटन एज ई इज इक्वल टू एन एच कट ओमेगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है आपके पास, कि आपके पास अगर एक एनर्जी की बात करें आप,
उसकी फोन ऑन की बात करें, एज कट ओमेगा होती है एक फोन ऑन की एनर्जी। और अगर हम किसी एक मॉड, स्पेसिफिक मॉड की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी वाइब्रेशन जो है वो लेफ्ट राइट भी हो सकती है, अप डाउन वाइब्रेशन, हर तरह की वाइब्रेशन हो रही होती है, ठीक है, ऊपर नीचे जिसमें। तो आप जिस मॉड की बात करें, एक मॉड ऑफ वाइब्रेशन जो ले रहे हैं उसमें कितने फोन ऑन जनरेट होंगे? बहुत सारे होंगे ऑफकोर्स। तो हम इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एन ड्रम यूज करेंगे। एक ही एनर्जी अगर एच कट ओमेगा है, तो अगर एन नंबर ऑफ फोनॉन्स हैं तो हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, एन एच कट ओमेगा, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ फोनॉन्स में चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फोनॉन कितने होंगे। एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन इन ए वाइब्रेशनल मोड इज गिवन बाय बाय वाइब्रेशनल मोड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, इस एक्सप्रेशन से आप नंबर ऑफ फोनॉन्स फाइंड कर सकते हैं कि एक एवरेज मोड हमारे पास जो होगा एक खास टेम्परेचर पे, उस पे कितने नंबर ऑफ फोन ऑन होंगे, इसके लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा क्रिस्टल का, ओमेगा आपके पास फोन ऑन की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। दस द नंबर ऑफ फोन ऑन्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय रेजिंग और लोअरिंग द टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारे पास फोन ऑन जो है वो क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोन ऑन इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की टर्म यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि बाकी तो आपको कॉन्स्टेंट चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो मेन आपके पास किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, कि आपके पास नंबर ऑफ फोन ऑन इंक्रीज होंगे या डिक्रीज। ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ फोन ऑन, द इंटरेक्शन ऑफ ए फोन ऑन विद अनदर फोन ऑन और विद इलेक्ट्रॉन मे बी कंसीडर्ड एज स्कैटरिंग कोलिजन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास फोनॉन जो है उनकी भी नेचर सेम लाइक फोटोन पार्टिकल नेचर होती है, और यहाँ पे फोनॉन जब इंटरेक्ट करेंगे अनदर फोनॉन के साथ या इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो स्कैटरिंग कोलिजन होगी, ठीक है, दोनों पार्टिकल्स के बीच, और वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में जो है वो हमें मिलेगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मोमेंटम ऑफ फोनॉन क्या होता है, ठीक है। फिजिकली अ लेटेस्ट फोनॉन डज नॉट कैरी एनी मोमेंटम। फिजिकली हमारे पास जो एक फोनॉन होता है उसका कोई मोमेंटम नहीं होता, बट इट इंटरैक्ट विद अदर पार्टिकल्स एंड फील्स एज इफ इट इज इट हैज ए मोमेंटम एज कट के। यहाँ पे के जो हम बड़ा के लेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं आपके पास कि हमारे पास फिजिकली वैसे तो कोई फोनॉन का मोमेंटम नहीं होता, लेकिन हम क्या कंसिडर करते हैं कि जब ये किसी और फील्ड के साथ, जैसे किसी और इलेक्ट्रॉन फोनॉन या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जब ये इंटरेक्ट करेगा फील्ड के साथ, तो उसका मोमेंटम होगा और वो क्या होगा, एच कट के, ठीक है। और डी ब्रोगली रिलेशन हमारे पास क्या था, पी इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा। यहाँ पे अगर मैं एच बाय लैम्डा को 2 बाय से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कुछ यूं बनेगा सिचुएशन। और मुझे पता है कि एज बाय 2 पाई जो है वो किसके इक्वल होता है, एज कट के इक्वल होता है, एज बार के इक्वल होता है, जो कि मेरे पास रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट है। और जो 2 पाई बाय लैम्डा है, ये क्या है हमारे पास, 2 पाई बाय लैम्डा हमारे पास वेव वेक्टर होता है, ठीक है। ये भी हमने पहले पढ़ा था कि वेव वेक्टर जो है सारी इंफॉर्मेशन देता है एक सिस्टम में, क्रिस्टल सिस्टम की। तो यहाँ पे के जो है आपके पास ये है, ठीक है। मोमेंटम फिर क्या हो जाएगा आपके पास, एज कट के। It is apparent that a phonon of wavelength lambda carries a momentum h cut k. The quantity h cut k is sometimes called the अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं एज कट जो है वो आपके पास क्या है, क्रिस्टल मोमेंटम भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस तो इसके कंजर्वेशन से हमें पता चलेगा, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। पहला केस हम लिख लेते हैं कि हमारे पास इलास्टिक स्कैटरिंग जब हो रही होगी फोटोन की इलास्टिक स्कैटरिंग हम पहले देखेंगे, फिर इससे हम ऐसा ऐसा हम क्लैम्प स्कैटरिंग पे आएंगे, ठीक है। तो के जो आप लेंगे स्मॉल के, और वो होगा आपके पास इंसिडेंट वेव वेक्टर ऑफ फोटोन, फोटोन का जो है इंसिडेंट वेव वेक्टर होगा, और ओमेगा और सबस्क्रिप्ट में इसके पीएच लिख देंगे, ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट वेव वेक्टर की, ठीक है, जो फोटोन का होगा। के बार ले लेंगे हमारे पास स्कैटर्ड वेव वेक्टर हो जाएगा फोटोन का, ओमेगा पीएच हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन वेव वेक्टर की। जी रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर होगा। अच्छा इलास्टिक स्केटरिंग के लिए हम देखेंगे कंजर्वेशन, अगर वेव वेक्टर की लेंगे तो हमारे पास के प्राइम जो होता है वो किसके इक्वल होगा, के प्लस जी के। इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हम देख लेते हैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि आपको पता है कि आप रेसिप्रोकल लेटर्स जो है वो बनाते कैसे हैं, ठीक। वो आपके पास क्या होता है, सिंपल अगर आपके पास मैं ले लूँ ये कोई भी लेटर्स है, लेट्स सपोज, तो इसका मैंने क्या ड्रॉ करना होता है, इसका
परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है. मुझे क्या ड्रॉ करना होता है, परपेंडिकुलर यानी इस प्लेन, एक प्लेन का मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी जो मेरे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा. ठीक है, इस एक फेस है ये, इससे मैंने क्या किया 90 के एंगल पे एक ये वेक्टर ड्रॉ किया है. अब ये वेक्टर जो जहाँ पे ड्रॉ करके मिलेगा वो मुझे लेटेस्ट पॉइंट मिलेगा. ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होगी इस वेक्टर की, वो होगी हमारे पास 1/d और HKL, यानी इस प्लेन जो जिस प्लेन पे मैं बना रही हूँ इसके जो HKL वैल्यू होगी और इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो होगा उसका क्या होगा, इनवर्स होगा वो मुझे इस लेटेस्ट पॉइंट की जो रेसिप्रोकल लेटेस्ट की वेक्टर की लेंथ देगा. पॉइंट्स मतलब कितने डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से. इस तरह मेरे पास क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट्स एक दूसरे से क्या है, यूं बन जाएंगे रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट्स. यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इवॉल्व स्फीयर का एक देख लें तो उससे मुझे थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी कंजर्वेशन की. उसमें हम क्या करते थे, इवॉल्व स्फीयर में हम कहते थे कि हमारे पास क्या है, हम कोई सा भी वेक्टर लेते थे कि इंसिडेंट बीम लेट्स सपोज मेरे पास आई कुछ यूं आई. ठीक है, ये मैंने कोई सा भी एक ए पॉइंट ले लिया, यहाँ से इंसिडेंट अगर रे आ रही है मेरे पास, ठीक, और इसका वेक्टर क्या होगा, ये क्योंकि ये इंसिडेंट वेव है तो उसका वेक्टर के होगा, और फिर वो क्या करेगा ये करेगा, और फिर मैं कहती हूँ कि ये जो इंसिडेंट वेव वेक्टर है ये सर्कल में कंप्लीट करेगा. ये क्या करेगा, सर्कल में कंप्लीट होगा ऐसे. और यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसका दूसरा पॉइंट हमने क्या लेना है, इसका दूसरा पॉइंट हमारे पास ऐसे होगा कि हम जो है वो लाजमी, हमने ये सर्कल ऐसे लेना होता है कि लाजमी वो कट करे किसी रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट पे. अब ये जो ए पॉइंट था ये रेसिप्रोकल लेटेस्ट नहीं था, ये जनरल हमने कोई भी पॉइंट लेके बीच में ऑर्बिट्री लेके और उससे हमने एक वेक्टर ड्रॉ करा दिया और ये हमारे पास इंसिडेंट वेव वेक्टर बन गया. ठीक है, और ये जहाँ पे कट करेगा दूसरे रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर पे, जैसे यहाँ पे भी कट किया है, तो इसको हम कह देंगे कि ये मेरे पास क्या है, के प्राइम बन जाएगा. अच्छा, अब इसमें एक और चीज आपने देखनी है कि यहाँ पे आपके पास अगर मैं इसका जो है वो करूँ कंप्लीट एक ड्रॉ करूँ रेसिप्रोकल, तो एक रेसिप्रोकल वेक्टर से दूसरे तक का डिस्टेंस अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास कुछ यूं बनेगा. ठीक है, और वो होगा मेरे पास जी, वो क्या है जी. अब आपके पास ये कैसे, जो आपके पास ये बना है ये आपके पास एरो का इधर है. ठीक है, यानी ये के और जी जो है इसका अगर मैं रिजल्टेंट लूंगी तो वो क्या होगा मेरे पास, के प्राइम मेरे पास सिंपल ये. अब आपके पास वेक्टर एडिशन है, कंजर्वेशन आप देखेंगे आपके पास के प्राइम किसके इक्वल होगा, के और प्लस जी के इक्वल है. ठीक, या वैसे ही आपके पास जैसे सिंपल आप देखें ये इसकी टेल है, ये हेड है, ये अगेन टेल और ये हेड है, ये दोनों इनका अगर आप रिजल्ट लेते हैं वेक्टर एडिशन करते हैं तो वो कुछ यूं बन जाता है आपके पास ये. अब यहाँ से आगे हम देख लेते हैं कि हम एक्चुअली टॉपिक में क्या स्टडी कर रहे थे. कंजर्वेशन हमने ली क्रिस्टल वेव वेक्टर की, तो हमारे पास ये आ गया जिसमें हमारे पास क्या हुआ है, के प्राइम इक्वल्स टू के प्लस जी. ठीक, अच्छा इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे तो क्या होगा, एच कट ओमेगा पी एच बार इक्वल्स टू एच कट ओमेगा पी एच. इंसिडेंट फोटोन एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, हमारे पास जो हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन एनर्जी, उन दोनों बराबर ही है. अगर मोमेंटम लूंगी, मोमेंटम के लिए सिंपल जो ये इक्वेशन होती है इसके साथ एच कट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा. लेकिन मोमेंटम में एक चीज देखने की है कि हमारे पास जो है क्या हुआ है, हमारे पास इन दिस होल प्रोसेस द क्रिस्टल एज ए होल रिकॉइल विद द मोमेंटम माइनस एच कट जी. जो ये वाली टर्म आ रही है हमारे पास जो है जिसे हम कहते हैं कि एच कट जी, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रिकॉयल करने वाला करते हुए हमारे पास मोमेंटम आएगा रिकॉयल करते हुए. अब रिकॉयल करने वाली क्या बात है ये भी हम देखेंगे. ये देखें आप और इसमें जो है ना एंड पे मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज जो है, ये आपके पास यू प्रोसेस है जैसे नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है, इसमें दो वेव वेक्टर आ रहे हैं और एक इसका इनके जो है स्कैटर्ड या डायफ्रेक्टेड जो भी वेव वेक्टर बना रहे हैं वो बन रहा है. ठीक है, और ये सब क्या है, ब्रिलियंट जोन के अंदर है. अगर मैं इसका ये शेडेड एरिया लेती हूँ तो ये ब्रिलियंट जोन के अंदर है, जबकि आप देख रहे हैं K3 प्राइम जो है वो ब्रिलियंट जोन से क्या कर गया, बाहर निकल गया है, बाहर निकल गया. ये दो वेव वेक्टर इंसिडेंट थे और ये स्कैटर्ड या वेव वेक्टर जो भी है वो ब्रिलियंट जोन से बाहर हो गया. तो उसको अंदर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर लेना पड़ेगा और यहाँ से ये इसका मतलब है रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर की वजह से हमने उसको अंदर लेके आए. ठीक है, बैक रिकॉइल करके आए. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे भी यही हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे माइनस एच कट जी जो है वो रिकॉइल के तौर पर यूज होगा, रिकॉइल करके उसको अंदर ला रहा है. ठीक, इसके यही मीनिंग है.
अच्छा, सच ए प्रोसेस इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज से इक्वल और सेम एज दैट ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज कॉल्ड नॉर्मल एंड प्रोसेस। अब जैसे आप इंसिडेंट और स्कैटर्ड फोटोन की हम देख रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल इक्वल फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो उनको हम नॉर्मल प्रोसेस कहेंगे। जबकि इन इलास्टिक स्कैटरिंग हम देखेंगे उसमें हमारे पास क्या हो रहा होगा, उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें पहले इसकी पिक्चर को थोड़ा देख लेते हैं फिर आगे। इंसिडेंट फोटोन आ रहा है आपके पास, ठीक है, उससे क्या हुआ, हमारे पास एक स्कैटर्ड फोटोन हुआ और दूसरा हमारे पास फोनॉन जनरेट होगा। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में हमारे पास दो केसेस होंगे, एक तो क्रिएशन होगी हमारे पास फोनॉन की और दूसरा एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास एक फोनॉन जनरेट हुआ जिसका वेव वेक्टर हमारे पास के है, इसको मैंने बोल्ड बताया हुआ है, और इंसिडेंट आपके पास स्मॉल के था, ठीक, इंसिडेंट फोटोन था, उसकी एनर्जी कुछ यूं शो की दी है मैंने, और वो स्कैटर्ड हो गया तो के प्राइम हो गया, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है यहाँ पे, फोनॉन जनरेट हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं कंजर्वेशन लिखती हूँ वेव वेक्टर, तो मेरे पास कैसा होगा, के प्राइम इज इक्वल टू के प्लस डी जो नॉर्मल था, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस साइड को हमारे पास जो है वो के आ रहा है, फोनॉन आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे के प्राइम वाली साइड पे के जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर मोमेंटम मुझे देखना है तो मैं इसमें क्या करूंगी, एच कट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी मेरे पास ये मोमेंटम आ जाएगा। अब ये टर्म यहाँ पे भी एक्स्ट्रा आ रही है, पहले ये नहीं थी। अगर एनर्जी की बात करूंगी तो उसमें क्या होगा, उसमें भी फोनॉन की फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा हम यूज कर रहे थे फोनॉन के लिए, तो हमारे पास ये भी टर्म आ जाएगी एनर्जी की, और बाकी सेम वैसे ही था जैसे पहले है, ठीक है। और इससे मुझे पता चल रहा है कि हमारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और जो है हमारे पास स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी ये इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ मैं देख रही हूँ, तो ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ये मेरे पास नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये कौन सा प्रोसेस होगा, अनक्लैम्प प्रोसेस, ठीक है। और अगेन अगर मैं क्रिएशन के बाद अगर देखूँ तो एब्जॉर्प्शन में भी इसको देख सकती हूँ, जैसे इंसिडेंट फोटोन आया क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लेटर्स के साथ जाके जहाँ पे टकराया, टकराने के बाद एक स्कैटर्ड फोटोन हो गया और एक फोनॉन एब्जॉर्ब, इसका एरो यहाँ से पता चल रहा है कि मेरे पास फोनॉन क्या कर रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो वेव वेक्टर आएगा अब हमारे पास कैसे होगा, इसकी डायरेक्शन, अब जैसे के प्राइम में लेती थी वहां पे मैं के प्लस ले रही थी क्रिएशन के टाइम, अब ऐसा नहीं ले सकती क्योंकि डायरेक्शन देखें इसकी ऑपोजिट है, यहाँ पे के प्राइम और माइनस के होना चाहिए कैपिटल के, तो वो माइनस के मैं इधर ले गई हूँ तो वो क्या हो जाएगा, प्लस के, वो इस साइड पे आ जाएगा, सही। इसी तरह आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसके साथ एच कट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मोमेंटम की इक्वेशन आ जाएगी, सेम आपने क्या करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अगेन हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं कर रही, ये देखिए फ्रीक्वेंसी आपके पास फोटोन की इंसिडेंट और स्कैटर्ड की मैच नहीं कर रही, एक्स्ट्रा टाइम ऐड हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अनक्लैम्प प्रोसेस, ठीक है। इससे मुझे पता चल रहा है, मुझे क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम जब हमारे पास फोटोन स्ट्राइक करे और फोनॉन या तो क्रिएट हो, जनरेट हो या फिर एब्जॉर्ब हो, तो हमारे पास जो है वो इलास्टिक स्कैटरिंग नहीं रहती, इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो जाती है, और ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं अनक्लैम्प प्रोसेस। और अनक्लैम्प प्रोसेस जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और अब हम इस पिक्चर को एक दफा देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे दो आपके पास वेव वेक्टर हैं, इंसिडेंट वेव वेक्टर हैं, ये किसी के भी हो सकते हैं, दोनों फोनॉन भी हो सकते हैं, एक दोनों फोटोन भी हो सकते हैं, ठीक है, फोटोन फोनॉन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। जब ये कोलाइड करेंगे क्रिस्टल लेटर्स के साथ तो इनका एक स्कैटर्ड होगा वेव वेक्टर आएगा, के थ्री आएगा। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है आपके पास, ये जो है नॉर्मल प्रोसेस में इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही होती है और कंजर्व हो रहा होता है, ब्रिलियन जोन के अंदर ही रह रहा होता है, जैसे यहाँ पे आपके पास इनसाइड ब्रिलियन जोन है। ब्रिलियन जोन आप याद करें तो आप कैसे लेते थे, उसकी एक लेंथ देते थे पाई बाय ए और इस तरफ माइनस पाई बाय ए, तो ये इसके इनसाइड ही है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसका नाम हम एन प्रोसेस भी कह सकते हैं। जो हमारे पास अनक्लैम्प प्रोसेस होता है उसको हम यू प्रोसेस भी कहते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें दो इंसिडेंट एंड आपके पास वेव वेक्टर आए, ठीक, अगेन वो फोनॉन दो भी हो सकते हैं, फोनॉन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उस क्रिस्टल लैटिस के साथ टकराए और स्कैटर्ड जो हमारे पास वेव वेक्टर आया वो बहुत हुआ कि वो इस ब्रिलियन जोन को भी क्या कर गया, क्रॉस कर गया और बाहर चला गया, ठीक है। तो उसको अंदर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स वेक्टर लेना पड़ेगा, जो हमारे पास क्या होगा, जी होगा इनसाइड लाने के लिए, ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे के थ्री आ जाएगा, के थ्री प्राइम या के थ्री होगा और ये के थ्री प्राइम, तो ये इस तरह हमारे पास अनक्लैम्प प्रोसेस हो रहा होगा। यहाँ पे हमने अनक्लैम्प प्रोसेस जो है उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देखी है, और अब हम पिटल की बुक में जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे, ठीक है। अनक्लैम्प स्कैटरिंग, अनक्लैम्प स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फोनॉन अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट लो टेम्परेचर, ठीक, लो टेम्परेचर पे हमारे पास क्या हो रहा है, अनक्लैम्प प्रोसेस हो रहा है, ठीक, और इसमें हमारे पास
एम्फ्लेम स्कैटरिंग किन किन के बीच हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स बाय फोनॉन, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, स्कैटर होंगे फोनॉन्स के साथ, जो हमारे पास फोनॉन क्रिएट हुए हैं या एब्जॉर्ब हुए हैं, ठीक है, तो उनसे ये टकराएंगे इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमारे पास हो जाएगी, और ये होगी किस पे, लो टेम्परेचर पे। लेकिन अगेन इसमें आप वेरी लो टेम्परेचर की बात नहीं कर सकते, बल्कि सिंपल लो टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है। और दीज इलेक्ट्रॉन फोनॉन स्कैटरिंग प्रोसेस इन विच रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जी इज इन्वॉल्व, सो द इलेक्ट्रॉन मोमेंटम चेंज इन प्रोसेस मे बी मच लार्जर देन द नॉर्मल प्रोसेस एट ए लो टेम्परेचर। ये अगेन आपने जो इक्वेशन देखी थी, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि आपके पास मोमेंटम क्या हो रहा है, लार्जर होता है, ठीक है, मोमेंटम आपके पास है, जैसे फोटोन का आप देख रहे थे कि यहाँ पे अब ये सारी टर्म इसके इक्वल है, इसका मतलब है इसका मोमेंटम क्या हो रहा है, हमारे पास लार्ज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम आपके पास लार्जर होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। उसमें अब आपने क्या करना है, इस फिगर को जरा गौर से देखें, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या है, एक हमारे पास फर्मी स्फीयर है, किसी भी मटेरियल का फर्मी स्फीयर है, और इसमें इसकी लोअर पार्ट यानी इस पार्ट की हम बात करेंगे तो इसमें नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है नीचे, और अगर मैं ऊपर की बात करूंगी तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो है वो यू प्रोसेस या एम्फ्लेम प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है, फ्लिप्ड ओवर हो गया, यानी नॉर्मल प्रोसेस का फ्लिप जो है वो ऊपर आ रहा है, ठीक। अब जैसे के वेक्टर आपके पास इंसिडेंट वेव वेक्टर होता है आप, और के प्राइम आप देखते हैं कि आपके पास स्कैटर्ड वेव वेक्टर होगा, और यहाँ पे आपने रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर क्यू बनाया हुआ है या उसका रिजल्टेंट क्यू है, एंगल यहाँ पे वाई है, ठीक है, इसका ही अगर हम फ्लिप करेंगे तो ऊपर देखेंगे के मेरे पास ये होगा, के प्राइम ये हो गया, और एंगल आप देख रहे हैं बड़ा हो गया, पाए हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, क्यू प्लस जी, यानी जी आपके पास क्या है, टोटल रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जी हो रहा है, यानी ब्रिलियन जोन को इसने क्रॉस कर लिया है, और आपके पास क्यू वेक्टर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास जो है एम्फ्लेम प्रोसेस है, ए ए डैश जो है वो जी के इक्वल है, ठीक है। अब इसको इधर देख लेते हैं कैसे, हमने कोई सा भी प्लेन ले लिया है 100 प्लेन, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपके पास रेसिप्रोकल लेटेस्ट कैसे बन रहे होते हैं, टू एडजेसेंट ब्रिलियन जोन इन बीसीसी पोटेशियम में हम देखते हैं, और उसमें हमारे पास फर्मी स्फीयर है, ठीक है, और लोअर हाफ हमारे पास फिगर जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फोनॉन प्रोसेस है, जिसमें के प्राइम के प्लस क्यू, ऑफकोर्स यहाँ पे अगर मैं इसका रिजल्टेंट फाइंड करती हूँ अगेन आपके पास कैसे आएगा, ये एक वेक्टर था ये दूसरा वेक्टर था, इनको ऐड करना है तो मैं इसकी टेल और इसके हेड के साथ ये वेक्टर ड्रॉ करा दूंगी जो के प्राइम होगा, फिर के प्राइम किसके इक्वल होगा, के प्लस क्यू के इक्वल हो जाएगा, ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है। और वाइल द अपर हाफ शोज ए पॉसिबल स्कैटरिंग प्रोसेस, के prime is equals to k plus q plus g involving the same phonon and terminating out the first Brillouin zone, yani Brillouin zone se ye cross kar gaye hamare paas process, aur isme aapke paas ho kya raha hai, isme aap likhenge k aur plus q plus g, aapke paas ye cheeze add ho rahi hongi extra, theek hai, aur isme amklem process ho raha hai jo upper half hai aapke paas, this point is exactly equivalent to point a dash inside the zone where a dash is the reciprocal lattice vector, reciprocal lattice vector yahan pe bhi again recoil karne ke liye aaya hai crystal momentum ko, theek hai, aur isme jo hai hum kya dekhenge, angle yahan pe aapke paas bada angle ban raha hai, isliye hum kahenge hamare paas scattering badi strong kism ki ho rahi hai, such collisions are strong scatterers because the scattering angle can be close to pi, angle bahut bada ho gaya pi ho gaya, theek hai, aur इसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि हमारे पास जो है इस चीज को आपने एक दफा स्टडी कर लेना है, ठीक है, और बहुत लो टेम्परेचर पे भी आप देखेंगे आपके पास एम्फ्लेम स्कैटरिंग जो है वो भी तब भी नहीं होगी, ठीक है, तब आपके पास अगर कोई स्कैटरिंग हो रही है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में कोई चीज पार्टिसिपेट कर रही है, तो तब आपके पास नॉर्मल स्कैटरिंग प्रोसेस का होगा, एम्फ्लेम नहीं होगा, एम्फ्लेम प्रोसेस आपके पास लो टेम्परेचर पे है लेकिन वेरी लो पे नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए आप ये पीछे से थोड़ा सा टॉपिक इसको देख लीजिएगा।